डोट हैव अ कस्टमर यू डों बिजनेस इट स्टार्टर सो कस्टमर को उस लेवल पर रखते हैं कि अगर कस्टमर नहीं है तो फिर बाकी सब बात करना ही बेकार है इस प्रजाति जिसको हम कस्टमर बोलते हैं ये कष्ट से मर रहा है या आप इसके साथ कुछ कर रहे हो मेरा आपसे सवाल है कि पिछले एक साल में पिछले छह महीने में आपने कस्टमर के लिए कुछ इनिशियटिव लिया क्या एनी बडी वाइक टू शेयर सी यू मस्ट फिल अड और फिक्स अ प्रॉब्लम The customers have. We have heard this so many times. It's not new. The question is, what have we done about it? What have we done to find the need? What have we done to fix a problem which he has? But to fix a problem, you need to first find the problem. So सवाल मेरा ये था कि पिछले 6 महीना, पिछले साल भर में आपने क्या किया, जिससे आपको मालूम पड़ा कि ये दिस इज़ द नीड ऑफ़ माय कस्टमर. I've been sharing this in our samastha with all of you. This very fact that

मैकेनाइज प्रोसेस वेयर उस मैकेनिज्म के थ्रू वो उतना बेक होकर निकलेगा किसी को कुछ करने का नहीं है तो क्या ऐसा एक मैकेनिज्म लगाया है वेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर एट रेगुलर इंटरवल्स बिकॉज द फैक्ट ऑफ मैटर इज आर नीड्स चेंजिंग है कि अभी चेंज नहीं होगी चेंज हो रही है एंड इट इज चेंजिंग एट अ पेस विच यू कॉन्ट इवन इमेजिन एंड वी सेल ग्रेट सी ओज दे आर स्ट्रीट स्मार्टन ऐसे स्ट्रीट स्मार्ट मतलब क्या इट्स नॉट अबाउट जस्ट देआर ग्रेट स्पीकर एंड ग्रेट टॉकर्स स्ट्रीट स्मार्टनेस मीन

इससे क्या बत्ती जल रही है आपकी आपका उल्टा है उल्टा भी नहीं है यू आर था और पिछवाड़ा क्यों हो कंपनी मेंस्पेक्ट ऑफ यज ए रिजल्ट योर एंटर एफर्ट्स इन टू मैनेजिंग द वर्क एंड योर बैक इज टूर्ड ऑल ग्रेट सी स्ट्रीट स्मार्ट देर बिन लुकिंग एट द्रीट और जब सड़क को देखते रहते देखते रहते सड़क मतलब उनका मार्केट उनका इलाका जब वो देखते रहते देखते रहते देखते रहते हैं दे आर सो मेच्योर कि वो उनके सड़क में अगर कुछ हल्का सा भी बदलाव आता है किसी और को मालूम पड़े ना पड़े इनको मालूम पड़ जाता है इतना देखते हैं इतना देखते हैं ताड़ू होते हैं तुम मशीनों को अपने अंदर फैक्ट्री के अंदर अपने कंपनी के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम वहीं ताड़ते रहते हो काम किसने किया नहीं किया दो उसकी बजाय दी तुम्हें लगता है हो गया आज का यू गोड फेस दी मार्केट सो दे आर स्ट्रीट स्मार्ट दे डू दे गो बियॉन्ड क्लिनिकल डेटा अरे उनके बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सब मैकेनिज्म फिट है कि उनको फीडबैक आता रहेगा तो विनायक फीडबैक आएगा आपने फीडबैक फॉर्म दे दिया आपने रेस्टोरेंट्स में आपने डाल दिया कि भाई आपको क्या अच्छा लगा हमारे यहाँ फीडबैक भर दो आधे लोग भरते नहीं आधे लोग मस्ती में भरते आधे लोग कट 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 कर देते हैं वो फीडबैक आता है इनके पास भी आता है बट दिस से वी गो बियॉन्ड क्लिनिकल डेटा जो तो आएगा आएगा वी विल हैव अ सेंस ऑफ द मार्केट ऑन अ ओन तो हम जाएंगे खुद और हम कस्टमर के साथ क्लोज कनेक्शन बिल्ड करेंगे कि यू कॉ टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड सेकेंड पार्ट क्या है बेटर देन दी कॉम्पिटिशन तो बेटर देन द कॉम्पिटिशन मतलब यू शुड नो मच बिफोर द कॉम्पिटिशन वॉट द कस्टमर वॉन्ट यू शुड नो मच बिफोर द कॉम्पिटिशन सो एवरी वन फ्रॉम योर इंडस्ट्री हैज एक्सेस टू सेम कंज्यूमर डेटा एवरीबडी रीड्स ऑफ सेम पेपर्स एवरीबडी रीड्स ऑफ इकनॉमिक टाइम्स सब वही पढ़ते हैं सब वही कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में जाते हैं जो आपकी इंडस्ट्री के आपके कॉम्पिटिशन में जो लोग हैं सब वही तो करते हैं तो वो, वो भी अपने इन साइट्स यहां से बना रहे हैं आप भी अपने इन साइट से, से बना रहे हो आप भी कस्टमर के बारे में यहां से समझ रहे हो वो भी यहां से समझ रहे बिटवीन यू एंड योर कॉम्पिटिशन वुड बी इफ यू मेरली बिहेव एज यज यूर आउट परफॉर्म दैम बट इफ यू मीट यस्टमर दे विल नॉट नो वॉट यू नो देवर कस्टमर जर्नी मैप अब आप यह क्या है यू हैव टू गो थ्रू योर सी जी एम मतलब आपके कस्टमर की जर्नी का जो मैप है आपको उसके थ्रू जाना है एंड द मोर यू गो थ्रू योर सीजीएम द मोर थ्रू यू गो थ्रू द कस्टमर जर्नी मैप मोर यू विल नो द कस्टमर सो वो एक हल्का सा आपको देता हूं ये, ये है क्या सीजीएम है क्या सो यू कोड ऑब्जर्व ऑल द कस्टमर इंटरेक्शन विद योर प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के साथ उसके इंटरेक्शन क्या हो रहे हैं राइट फूफ द इनिशियल अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट टू इट्स परचेज एंड द यूसेज द एंड टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस आपने उस जर्नी को मैप करना है कि इसको मालूम पड़ा मेरा प्रोडक्ट उसने उसमें इंट्रैक्शन क्या किया उसके बाद इसने लीड डाली उसके में इंट्रैक्शन क्या किया लीड के बाद हमने आर एफ क्यू भेजा फिर क्या हुआ फिर वो हुआ सब ये आपने पूरे प्रोसेस को अपने समझा और लास्ट में जब उसने कस्टमर ने खरीदा और उसको यूज किया और उसको डब्बे में डाल दिया आपके प्रोडक्ट को वहां तक तो का एक्सपीरियंस ये कौन कर रहा है अभी आपके यहाँ आरबी राम भरोसे हम लोग क्या करते हैं यहां उसको माल भेज दिया बस कैसे भी निपटाओ काम उसको माल दिया पैसा अंदर उसके बाद कभी कंप्लेंट आई तो उसको सलाम मार के आते हैं क्योंकि कंप्लेंट आई है हम उसके पूरे एंड टू एंड एक्सपीरियंस तक जाते नहीं सर वेन यू मीट कस्टमर्स यू विल हैव एन इनसाइट सो वॉट यू डू विद विद द इनसाइट यू कस्टमर टू सी इफ राइट बिकॉज आप मिल रहे हो ना उससे आप मिलकर उसको बात करते हो कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं और अगर आप स्टडी करते हो अपनी इंडस्ट्री के बारे में आपको मालूम है आपकी इंडस्ट्री कहां जा रही है आपको मालूम है कस्टमर्स की लाइफ चेंज हो रही है लाइफस्टाइल चेंज हो रही है उनकी डिमांड चेंज हो रही है तो आपने वो पढ़ के आपके अंदर कुछ इंसाइट आई एक आपको काम करते करते इन्साइट आई तो आपने कहा लेट मी विद कस्टमर्स एक आपको पढ़ के इन्साइट आई तो वॉट यू डू यू वंस यू थिंक यू नो यू टॉक टू योर कस्टमर फॉर कन्फर्मेशन मुझे लग रहा है ऐसा करना चाहिए आपका क्या ख्याल है, है वाइट हाँ ख्याल है क्लिनिकल डेटा इज नॉट ऑलवेज बेस्ट तो आपको पूछना है अपने आप से मेरा फर्स्ट हैंड कस्टमर इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं तो काम करने वाले पीछे देखो मेरी बात सुनो दे इज समथिंग कॉल्ड द देश वर्क इन इन योर फैक्ट्री इन योर ऑफिस ये सुनो या क्या उसके लोग मिल जाएंगे फैक्ट्री हेड प्लांट हेड सी जो भी है मिल सकते हैं yes. मिलते ही हैं राइट right? कस्टमर से मिलके कस्टमर से बात करके अपने अंदर कुछ इंसाइट पैदा करना और उस इंसाइट को एक बिजनेस मॉडल में पेश करना क्या ये लोग मिलते हैं मार्केट में ये इंसाइट जनरेट करने का कार्यक्रम चालू कहां से होता है ओनरशिप से और कस्टमर किसका है आपका जब आपने कस्टमर की ओनरशिप ले ली और आप उसको मिलके आते हो और वो कुछ बोलता है तो सडनली आपके मन में खड़ कर खड़ कर इतना प्रोसेसिंग होता है कि आप लौट के आके कुछ प्रोडक्ट बना दोगे और अगर आपका टीम वाला गया और उसने कस्टमर का फीडबैक सुना क्या करेगा या तो वो अगर उसका बहुत चल गया प्रोसेसर तो कह सर समझ में आया मुझे <laughs> या फिर उसका चलेगा ही नहीं वो सुन के भी आके उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सो यू हैव टू हैव द पल्स ऑफ द कस्टमर एंड दैट्स यू मेक मनी यू डोंट मेक मनी

सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुड ऑलवेज हैप्पन कीपिंग इन द कंज्यूमर्स नीड्स एंड प्रॉब्लम इन माइंड एंड प्रोसेस दे आर गेट टू सर्व द कस्टमर तो आपके सारे प्रोसेस शुड भी फॉर द कस्टमर बट सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुड भी फॉर द कंजूमर तो अच्छा लगा बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं है अपना कंजूमर कौन है और पढ़ी भी नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है वही अपना मालिक है सो ऑल योर प्रोसेस बड़ा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है ऑल योर प्रोसेस शुड भी टू मेक योर कस्टमर्स लाइफ ईजी एंड ऑल द प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुड भी टू मेक योर कंज्यूमर्स लाइफ ईजी अगर ये सेपरेट कर लिया डिस्टिंग कर लिया तो बहुत लाइफ आसान हो जाएगी ये सब्जेक्ट बहुत डीप में है तो आपको क्या करना है इफ यू नो वॉट यर कस्टमर्स आर रियली बाइंग फ्रॉम यू यू एंड विल हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी तो आपको पूछना है टाइम एंड अगेन यार ये कस्टमर खरीद कर रहे हैं मेरे से यार वॉट आर दे बाइंग फ्रॉम मी सो यू गोड के असल वट आर दे बाइंग एंड दे एक्चुअली मे नॉट जस्ट बी बाइंग द फिजिकल प्रोडक्ट दे माइट बी बाइंग रिलायबिलिटी दे माइट बी बाइंग दे माइट बी बाइंग कन्वीनियंस और सर्विस

और उनसे पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उनके घर के आगे उनके ऑफिस के आगे तंबू लगा बैठना पड़ेगा लेकिन आजकल आप तंबू किधर है ऑफिस नहीं मशीन के नीचे है कस्टमर वेर यू गॉट टू बी